हरियाणा के सरकारी डॉक्टर हड़ताल पर, इमरजेंसी पोस्टमार्टम बंद। मेडिकल कॉलेजों से डॉक्टर बुलाए, मंत्री बोले ड्यूटी पर लौटे। एसोसिएशन बोली हम मजबूर। हरियाणा के सरकारी अस्पतालों में आज इमरजेंसी सेवाएं ठप हैं। प्रदेश के 3000 सरकारी डॉक्टर सुबह 8 बजे से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। हरियाणा में कुल 159 सरकारी अस्पताल हैं, जिनमें ओपीडी में भी मरीजों को नहीं देखा जा रहा, पोस्टमार्टम भी बंद है। इसके अलावा सरकारी अस्पतालों में गर्भवती महिलाओं की डिलीवरी की सुविधा भी बंद है, जिस वजह से मरीजों को अस्पतालों में आकर भटकना पड़ रहा है। सरकार ने हालात बिगड़ते देख मेडिकल कॉलेज से डॉक्टरों को मरीजों के इलाज के लिए बुलाया है। वहीं सीएम के मुख्य प्रधान सचिव 12 बजे हरियाणा सिविल मेडिकल सर्विसेज एसोसिएशन HCMS के साथ चंडीगढ़ में मीटिंग करेंगे। एसोसिएशन के प्रधान डॉक्टर राजत खालिया ने कहा कि कई मांगों पर सहमति बन चुकी है, लेकिन सरकार ने एक भी वादा पूरा नहीं किया, मजबूरी में हड़ताल करनी पड़ी है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता ने डॉक्टरों से हड़ताल न करने की अपील की। उन्होंने डॉक्टरों के नाम जारी पत्र में लिखा कि हड़ताल या आंदोलन का सहारा ना ले, जल्द समाधान निकाला जाएगा। फतेहपुर में पोस्टमार्टम से इनकार। डॉक्टरों की हड़ताल की वजह से फतेहाबाद में डेड बॉडी का पोस्टमार्टम नहीं हो सका। यह युवक 3 दिन पहले पंजाब के पटियाला में नहर में डूबा था, जिसका शव भूना के डाणी गोपाल में मिला था। वहीं पुलिसकर्मी भी मेडिकल करवाने के लिए आए आरोपी को लेकर भटक रहे हैं।